So, according to Sri Ramananda Swami's Prema Bodha Maradaka Samurai, I'll just read the summary. In Sri Chaitanya Charitamrita Madhyalila chapter 8, Ramananda Samurai, there it's described that Radhika, before taking bath, she'll have to have those vatas. It means that some powder, very fragrant, will be spread on her body before taking bath. So Lalita, Sakhi, Lupamanja and others, when they do this service, obviously, childhood is over and she enters into a youthfulness. Then Rajaka,
shyness. The root of shyness. So this root of shyness is Shapanta, a dog called God. Not the old God. Apurva is Arunvastra, British fellow. Arunvastra indicates the Arunva, deep attachment for Shri Krishna. Perpetually, that means her shirt, her blouse. This is called Pranayamai. But this Pranayamai is praying but covered, taking another form. So this Pranayamai is the cloth or the blouse that covers her breast. Then Radhika's body is decorated. It is smeared with a mixture of three substances. Chandan, Shloka, and Kharpur. So Chandan means sandalwood paste. Kharpur is camphor. And Kumkum is one red powder. So Radhika is smeared with Kumkum. This Kumkum is her saundarya, her beauty. The Chandan is Sankhpranay. He affects intimate affection of her friends. This is Chandan. That is very cool and refreshing. And Kharpur, that is Smitakanti, or the cool radiance of her smiling. So these three substances So then, Radhika's body is decorated with so many paintings. And Chitra, paintings are painted upon the body of Radhika in fragrant Mridamada. Mridamada means Yeah.
Thank you.
Thank you.
और पूर्ण रूप से यशोदा नंद बाबा के घर में खुश रहते रूप में कृष्ण आए। उसके पास ही में रावत एक गांव है यमुना नदी के तट पर। राधा जी बरसाने में जन्म नहीं ले सकती, ये बरसाने में वह ढाई बजी उस खटपटी लगती है। ये पढ़ाई कहाँ बजी? जहाँ राधा जी ने जन्म दिया, जहाँ भानु महाराज रहते थे उस समय में बरसाने को छोड़कर के आ गए थे रावण में। रावण कहते हैं एक प्रतिभाषी राजा जैसा होता है तो उसे रावण कहते हैं। रावण तो वहीं पर यमुना के किनारे स्नान करने जाते थे तट पर बाबा विश्वान। आज सवेरे भोर में ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने गए तो स्नान करते समय देखा एक समस्त तम कमल कमल का फूल खिला हुआ है इतने लाखों और सहस्त्र कमल पर के ऊपर में एक छोटी सी बच्ची रो रही है, कभी हंस रही है, कभी पैर के अंगूठे को कभी हाथ के अंगूठों को खींच रही है। देख करके बाबा बड़े प्रसन्न हुए थे कि हमको तो लड़का ही था, लड़की तो है नहीं। उसे गोदी में उठा लिया और चले आए घर पर और अपनी स्त्री कृतिका मैया के गोद में उन्होंने बच्ची को दे दिया। और जन्मा है राधा जी किसी के पुत्र के रूप, जैसे कृष्ण जन्मा है स्वयं भगवान है, ऐसे ही भगवान की ये शक्ति है। इसलिए किसी के तरफ से जन्मने का कोई प्रश्न नहीं आता, तो अभी लीला के लिए हो सकता है या जन्मा है। कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, कृष्ण जो जो चाहते हैं वो सब कुछ ये करती है। वहाँ पर लालक जी गोकुल में जब आए देखा कि कृष्ण ने स्वयं भगवान ने जन्म दिया है, तो राधा जी कहीं ना कहीं जरूर जन्म दिया होगा। तो खोलते 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 गए रावण ने इस मानव जी से पूछा आपको कोई संतान हुई है, कहाँ हुआ है ये संतान यहाँ पर? नहीं नहीं कोई लड़की हुई है क्या? लड़की तो हुई है, मैं उसका जन्म नक्षत्र और उसका राशि और ये सब जान करके वो कैसी लड़की होगी मैं बता दूंगा। चलो चले गए सीता घर में रणवास में और उन्होंने कहा कि आप मांगलिक चीजें दुर्गा खाद चावल रोई अष्टक ये सब ले करके आओ और तब तक मैं यहाँ पर। राधा जी को देखा और स्टॉल छुट्टी करने लगे। राधा जी सब्जियों के साथ वहाँ पर दर्शन उनको किया। दर्शन देने के बाद में जब उनके पिताजी आए तो छोटी बालिका के रूप में वहाँ पर फिर पैर पहने करते हुए नारद जी अपने जीवन को सफल माना कृष्ण हो गए और उनका दर्शन किया और फिर उसका नामकरण किया। ये बड़ी सौभाग्यवती लड़की होगी इसका पति प्रियतम इसको बहुत की सेवा सौभाग्य देगा, ये सौभाग्यवती होगी और सुखी रहेगी और सबको सुखी होगी और माता पिता का यश सारे खुशी में ये फैलाएगी। इस तरह से उनको बर्थ दे करके और फिर नाम देना उनकी विशेष कृपा के लिए नारदी गोवर्धन की तरक्की में एक नारदीय स्थान है नारकुंड है, वहीं पर तपस्या करके पवनों को नमन करके तब फिर राधा जी की कृपा पाई। ये राधा जी का जन्म कभी कभी हो सकता है, कभी कभी किसी तंत्र में हो, इस
Hallelujah.